यूपी में एक्शन मोड में आदित्यनाथ योगी सरकार। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश। सीएम ने एसिड अटैक पीड़ित महिला से मिलकर पुलिस को जल्द कार्रवाई करने का दिया आदेश। अब तक 100 पुलिस वाले सस्पेंड, कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था होगी लागू। एयर इंडिया के स्टाफ से मारपीट करने वाले शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की बड़ी मुश्किलें। तमाम एयरलाइंस ने लगाई उनकी उड़ान पर पाबंदी। एयर इंडिया ने सांसद के खिलाफ दर्ज कराई 2 FIR। महाराष्ट्र में खत्म होने के कगार पर है रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। हड़ताली डॉक्टरों के संगठन ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, कहा कल सुबह तक काम पर लौट जाएंगे हड़ताली डॉक्टर। राज्यसभा में उठा मौजूदा पिछड़े आयोग की जगह नया आयोग गठित करने के केंद्र सरकार के फैसले का मसला। विपक्ष ने लगाया साजिश का आरोप, सरकार ने बताया ऐतिहासिक कदम, कहा जारी रहेगा आरक्षण। गौहत्या के मसले पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में पेश किया निजी विधेयक, गौहत्या के मामले में मृत्युदंड का प्रस्ताव। शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के पैगाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी। आज ही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 805वें उर्स का झंडा दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मंत्रियों की परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला से मुलाकात की। पाक राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी हो सकती है जब वो आतंक से दूरी बना ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने सतलुज यमुना लिंक के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। झारखंड के नक्सल प्रभावित पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात आपसी संघर्ष में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 3 नक्सली मारे गए, इनमें 1,10,00,000 रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। सीबीआई ने झारखंड कोयला आवंटन केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील के सलाहकार और 4 अन्य के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार के अनुमान ने दालों की कीमतें दबाव में रही हैं। दाल मंडी के बड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में नई फसल के आने के बाद दालों के दामों में 5 से 10% तक और गिरावट आ सकती है। आईटी विभाग की चेतावनी 31 मार्च से पहले दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ब्लैक मनी की जानकारी, वरना 137% तक लगेगी पेनल्टी। डिपार्टमेंट ने सभी बड़े राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर कहा है कि इस मामले में काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू हो रहे चौथे और आखिरी टेस्ट से पहले कैप्टन कोहली के कंधे की चोट की वजह से खेलना तय नहीं। मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को विराट कोहली के कवर के तौर पर बुलाया गया। मिस्र में आंदोलन के बाद सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को मिली जेल से छुट्टी, हाल ही अदालत ने किया था बरी।